अलवर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित किया है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि 231 हार्डकोर अपराधियों की लिस्ट बना ली गई है, जिसमें से कुछ लोग इनएक्टिव हो गए हैं, उनकी जगह कुछ नए यंगस्टर एक्टिव हो गए हैं। तो हमारी ओर से ऐसे लोगों को, यंग लगातार एक्टिव और जिनकी निरंतर मामले दर्ज हो रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आनंद शर्मा ने बताया कि गैंगस्टर जो रंगदारी, आमजन में भय, धमकाना सहित अन्य मामलों में लिप्त हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये कार्य जिले के 25 थानों में किया जाएगा। इसके लिए सभी एसएचओ को टास्क दे दिए गए हैं। जिले में हिस्ट्री शीटर्स हैं 231, और अभी हमें आवश्यकता महसूस हुई कि उसमें अधिकतर कुछ पुराने हो चुके हैं, कई अब इनएक्टिव हो गए, और क्राइम में कुछ यंगस्टर्स और नए लोग आ गए, तो हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अभी यंग है और क्राइम में एक्टिव है, और निरंतर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और कुछ इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि आम जन में उनसे भय है, या तो कोई रंगदारी के, किसी को धमकाने के, गौ तस्करी के, साइबर फ्रॉड के, तो हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और उनकी हम निगरानी पंजिकाएं, राउडी शीट्स, हिस्ट्री शीट्स, जो हमारा मैकेनिज्म है उनपे अंकुश लगाने का, वो हम खोल रहे हैं ताकि उनपे वो हमारे रेडार में रहे। ऐसा ना हो कि जब वो कोई क्राइम करे उसके बाद हमें को एहसास हो कि ये व्यक्ति इतने मुकदमों में वॉन्टेड था, जो वॉन्टेड चल रहे हैं या जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनपे हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते।